नमस्कार, आप देख रहे हैं kynpost.com। आज नेशनल साइंस डे 28 फरवरी की सुबह 10:24 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से भारत के पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के जरिए 19 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए। इन 19 सैटेलाइट में ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य सैटेलाइट हैं जो PSLV-C51 के जरिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुए हैं। साथ ही इन सैटेलाइट में चेन्नई की स्पेस किड इंडिया का सतीश धवन ST भी शामिल है। पर इस मिशन में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये है कि इस अंतरिक्ष यान के टॉप पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उकेरी गई है। SKI के मुताबिक इसके साथ एक SD कार्ड में सेव भगवद गीता भी भेजी गई है। स्पेस किड्स इंडिया की CEO डॉक्टर श्रीमती केसन ने बताया कि हमारी सतीश धवन सैटेलाइट SDSat अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन की स्टडी करेगी, चुंबकीय बहाव का अध्ययन करेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को अंतरिक्ष में मुकाम देगी। इसके अलावा अमेजोनिया 1 के बारे में ये बताया गया कि ये सैटेलाइट अमेजन क्षेत्र में डिफॉरेस्टेशन की निगरानी और ब्राजील के क्षेत्र में एग्रीकल्चर से जुड़ा डाटा और एनालिसिस मुहैया कराएगा, जिससे मौजूदा ढांचे को और मजबूती मिलेगी। PSLV-C51 द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि हमारे अंतरिक्ष सहयोग में एक ऐतिहासिक क्षण है। kynpost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।